करीब 2 महीने पहले हुए बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह एसडीएम कार्यालय में आयोजित किया गया। एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला ने नगर पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ दिलवाई। रुचि कपूर, नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ और प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धालु रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगी तथा जिन कर्तव्यों का भार संभालूंगी उनका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इस अवसर पर नगर पंचायत की अध्यक्ष रुचि कपूर ने कहा कि सभी पार्षदों को साथ लेकर अधूरे पड़े विकास कार्यों को गति दिलवाई जाएगी। दोनों शहरों में बंद हुई स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया जाएगा तथा नई एलईडी लाइटें भी लगवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइट में जल्द कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए हमने एक कमेटी बना ली है। बैनाथ के लिए कमेटी जो है वो पपरोला को चेक करेगी, पपरोला के जितने भी सारे रास्ते बनेंगे उसमें टेक्निकल बंदे और जो अपने पार्षद होंगे वो सारे वहां पर चेक करेंगे, और जो पपरोला की टीम है वो बैनाथ के रास्तों को चेक करेगी। और जो विकास कार्य जो रुके हैं, हाँ वो जो रुके हुए कार्य उनको भी मैं स्पीड देने की कोशिश करूंगी। इस नगर पंचायत बैनाथ पपरोला की सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है डंपिंग साइट और वहाँ स्थापित करने के लिए कूड़ा संयंत्र, उसके बारे में कहाँ तक समाधान हो चुका है? अभी पीडब्ल्यूडी इसके लिए एस्टिमेट बना रही है और वो जल्दी ही हो जाएगा। पूर्व में एक मामला आपके ध्यान में आया था, उसका जो केस है वो पुलिस के पास अभी विचाराधीन है, क्या आप आगे भी जो पिछले कार्य हुए हैं उस पे जो अभी नोटिफिकेशन दिया है ईओ के चार्ज के लिए वो पालमपुर से है, तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे लिए एसडीएम सर ही बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि इससे लोगों को कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वो रेगुलर मिल जाते थे, या तो ईओ को उनको रेगुलर दिया जाए चार्ज, नहीं तो 3 दिन वाला तो नहीं हो सकेगा पॉसिबल, क्योंकि इससे लोगों को ही दिक्कत आएगी, उनको मिलेंगे नहीं वो। इससे मैं यही चाहूंगी, सरकार से यही अपील करूंगी, या तो रेगुलर ईओ दिया जाए या हमारे एसडीएम ही ठीक है। जो समस्याएं हैं वैसे ही जो कि क्यों है, सबसे पहले हमारी स्टाफ की समस्या है, वो रेगुलर ही नहीं है। पिछले 3 सालों से स्टाफ अभी तक रेगुलर नहीं हुआ है, तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगी, अपील करूंगी कि हमें नगर पंचायत को रेगुलर स्टाफ दिया जाए। और दूसरी है लाइट्स की समस्याएं, जो लोगों को बहुत दिक्कत दे रही है, अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सोलर लाइट्स और बाकी जो एलईडी लाइट्स है उसका भी प्रावधान करे सरकार। और सर बिल्कुल पूरा साथ दो, हम साथ हैं और पार्षद भी हमारे साथ है। मीटिंग का कब कितने समय में आप मीटिंग को बुलाने जा रहे हैं? वैसे तो महीने में एक होती है ऑफिशियली, हम 2 करने की कोशिश करेंगे।